नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस प्रकार से आप एक अच्छे क्वालिटी का एक्सटेंशन बोर्ड आप अपने घर पे खुद बना सकते हैं। दोस्तों अभी तक आप इस टाइप का एक्सटेंशन बोर्ड यूज करते थे, इसमें क्या होता है जैसे आप कुछ देर प्रेस लगाएंगे और उसके बाद जो है मान लीजिए कहीं बाहर कटर लग गया, मोटर लग गया, उसके बाद ये ख़राब हो जाता है। तो आज हम आपको जो है मैनुअली एक्सटेंशन बोर्ड जो है बना के दिखाएंगे। उसके बाद उस एक्सटेंशन बोर्ड में आप जो है अगर मोटर भी चला सकते हैं, फ्रिज भी चला सकते हैं, कूलर भी चला सकते हैं। दोस्तों अभी जो है हम चल रहे हैं उसको बनाने। तो दोस्तों ये एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए हमने ये जो है एक सरफेस बॉक्स इसमें लगेगा इसको लिया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं हमने जो है ये लिया है पावर सॉकेट, मतलब इसको बोलते हैं पावर सॉकेट। इससे आप मोटर, फ्रिज, कूलर और कोई भी हैवी प्रोडक्ट इससे चला सकते हैं, मतलब हैवी मशीन इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम दो हैवी सॉकेट लगाएंगे और एक आप देख सकते हैं ये आपका एक 6 एम्पियर का सॉकेट है, ये हमने 3 सॉकेट लिया है। उसके बाद दोस्तों ये आपका एक 10 एम्पियर का बटन है, तो इसके लिए हम इस पे लगाएंगे 6 एम्पियर वाले सॉकेट पे। 16 एम्पियर का हैवी क्वालिटी का जो है एक स्विच लिया है, इससे क्या करेंगे जो है इन दोनों सॉकेट को इससे कनेक्ट कर देंगे। तो इतना इक्विपमेंट आपको लगेगा। उस ऐसा प्लेट लिया है जिसके अंदर ऑलरेडी इंडिकेटर है, आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर है, और जब ये वर्क करेगा तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा, मतलब ये जलेगा, जैसे ही करंट का सप्लाई आएगा ये जलेगा उसमें ना, इसका लुक बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके ऊपर एक प्लेट लगा रहता है आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं रॉयल वुड। इस प्रकार का प्लेट आप अपने घर पे जब इंटरनल वायरिंग होता है या ओपन वायरिंग होता है उस समय भी मार्केट से लेके अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लगवा सकते हैं। तो इसको अभी हम करते हैं ओपन, आप देख सकते हैं इसको हम कर रहे हैं ओपन, ये ओपन कर दिए। अब इसी के ऊपर ये जो है मॉड्यूलर सॉकेट और मॉड्यूलर स्विच इसमें फिट करेंगे। क्या होता है दोस्तों इसको मॉड्यूलर इसलिए बोलते हैं कि पहले आता था जो नट और बोल्ट से उसको टाइट करते थे, उसमें स्क्रू लगा रहता था, अभी उस टाइप का भी आता है लेकिन अधिकतर लोग इसी टाइप का जो है प्रयोग करते हैं, ये आसान रहता है। अभी इसका ये इस प्रकार से सांचा बना है, इसमें आपको डाल के इसका जो है यहाँ पे दबा देना है, उसके बाद जो है ये ऑलरेडी फिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको इस प्रकार से यहाँ पे लगाने के बाद इसको यहाँ से प्रेस कर देंगे, आप देख सकते हैं इस प्रकार दबाने से हमारा जो है हमने यहाँ प्रेस किया, उसके बाद ये हमारा 16 एम्पियर का सॉकेट इसमें फिट हो गया। तो ये एक पावर वाला सॉकेट हम पावर वाले सॉकेट के बगल में जो है फिट कर देंगे। तो ये अभी हम दूसरा पावर का सॉकेट यहाँ लगाने जा रहे हैं, ये दोनों पावर सॉकेट यहाँ पे फिट हो गए। उसके बाद जो है एक हमारा प्लेन सॉकेट है, सिंपल सॉकेट है, ये आपका 6 एम्पियर का, अब हम इसको जो है फिट कर रहे हैं। तो जो टॉप साइड में रहेगा आप देख सकते हैं, कभी कभी होता है कि कुछ लोग इस प्रकार का फिट कर देते हैं। तो हम अपने एक्सटेंशन बोर्ड जो बना रहे हैं हैवी क्वालिटी का, उसके लिए अभी 6 एम्पियर का एक सॉकेट ले रहे हैं, इसको देख सकते हैं इसके ऊपर यहाँ पे आपको हल्का सा प्रेस कर देना है, देखिए इस प्रकार से ये प्रेस होगा, उसके बाद ये 3 सॉकेट लग गया। तो ये और बड़ा भी साइज में आता है और इस प्रकार से ये चौड़े भी साइज में आता है, अलग अलग साइज का आता है, अलग अलग साइज का आता है ये। अभी हम क्या करेंगे इसका जो है एक 16 एम्पियर का अपना यहाँ पे स्विच है उसको यहाँ पे फिट कर देंगे। हमारा ये 16 एम्पियर का एक स्विच हो गया, ये दोनों सॉकेट जो 16 एम्पियर का है हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है ये हमारा एक सादा स्विच हो गया 10 एम्पियर का, हम क्या करेंगे इसके बगल में इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा स्विच और सॉकेट का फिटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो इसका अभी हम वायरिंग करने जा रहे हैं, वायर का कनेक्शन करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो है हमारा पावर का सॉकेट है और ये आपका जो है 6 एम्पियर का नॉर्मल सॉकेट है, ये जो है 16 एम्पियर का स्विच है और ये आपका 10 एम्पियर का स्विच है। तो अभी कनेक्शन इसका क्या करना है दोस्तों, हमेशा जो राइट हैंड पे होता है आप देख सकते हैं राइट हैंड पे होता है, ये आपका न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल सॉकेट में ये न्यूट्रल है। तो अभी हम जो है पहले न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं। तो क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसका एक न्यूट्रल का कनेक्शन इसके न्यूट्रल में आएगा, उसके बाद इसके न्यूट्रल में जाएगा। तो दोस्तों हमने टाइम बचाने के लिए क्या किया है, पहले ही जो है न्यूट्रल के लिए जो है हमने ये आपका देख सकते हैं ये नीला कलर का वायर लेके रखा है पहले से ही, पहले न्यूट्रल वाले का हम कनेक्शन कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने ये वायर इसके साइज का आपको नाप के रखना है। तो क्या करना है, यहाँ से एक न्यूट्रल का यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ से वापस जो है हमारा इस वाले सॉकेट के न्यूट्रल में जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, ये वाला जो आपका एक सॉकेट है, मतलब इसको मान के चलते हैं कि सॉकेट ए जो है,
इसको अभी हम हल्का सा जो है ढीला कर देते हैं, ढीला कर दिए हैं। उसके बाद इस वाले सॉकेट में हम इसको जो है इसका वायर, ये जो इसका वायर है इसको इसमें डाल के इसको प्रॉपर ढंग से टाइट कर देना है। टाइट आपको अच्छे से करना है, नहीं तो क्या होता है अगर ढीला रहेगा तो स्पार्क होगा। तो अभी क्या करना है, उसके बाद ये वाला जो साइड वाला, ये न्यूट्रल का है, इस वाले न्यूट्रल में इसका जो है कनेक्शन करना। तो हमने क्या किया, पहले से ही टाइम बचाने के लिए इसका वाला जो यहाँ पे न्यूट्रल में जाएगा उसको भी इसमें ज्वाइंट कर दिया। तो यहाँ पे जाने वाला भी न्यूट्रल वाला इसको ज्वाइंट करके उसके बाद यहाँ पे हमने इसको प्लग कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने लगा दिया। लगाने के बाद इस सॉकेट को जो है प्रॉपर ढंग से आपको टाइट कर देना है। अभी आप देख सकते हैं ये जो है दूसरे नंबर का पावर का सॉकेट कंप्लीट हो गया। अभी क्या होगा दोस्तों, ये वाला जो हमारा है न्यूट्रल वाला, उसको क्या करना है, इसके न्यूट्रल वाले में यहाँ पे जो ये सॉकेट है उसके न्यूट्रल में इसका कनेक्शन करेंगे इसी समय। ये इंडिकेटर ऑलरेडी इनबिल्ट है प्लेट में, तो इसको जो है इसके साथ ले लेते हैं तो क्या होगा, नहीं तो हमको क्या है बाद में इसको ओपन करके वापस इस वायर को लगाना पड़ता। तो अभी हम इंडिकेटर को क्या करते हैं और प्लस जो है न्यूट्रल का जो वायर आया है उस यहाँ पे हमने इसको लगा दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको प्रॉपर ढंग से टाइट कर देना है। अभी क्या है दोस्तों, ये फेस के लिए हमने रेड कलर का वायर लिया। हमेशा आप दो कलर का वायर का यूज करेंगे, उससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। न्यूट्रल के लिए ये नीला कलर का वायर लिया है और जो है फेस के लिए ये रेड कलर का वायर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अभी क्या करना है दोस्तों, ये जो पावर वाला सॉकेट है इसके फेस से यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा दोस्तों सेकंड वाले में। उसके बाद जो ये आपका पावर वाला स्विच है 16 एम्पियर के, इसके जो है अपर साइड में इसका कनेक्शन होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो आप देख सकते हैं इस वाले फेज वाले में हम इसको जो है इसके वायर को रेड कलर का जो फेज का वायर है पावर सॉकेट का, हमेशा जो है इसमें दो टाइप का सॉकेट हम लगा रहे हैं, तो इसमें जो है अभी पावर वाले सॉकेट का यहाँ पे कर दिए कनेक्शन। उसके बाद जो है सेकंड वाले पावर सॉकेट में इसका कनेक्शन कर देंगे, आप देख सकते हैं ये सेकंड वाला पावर का सॉकेट है, इसमें प्रॉपर ढंग से इसको डाल देना है। फेज का कनेक्शन है, ये दोनों सॉकेट में कंप्लीट हो गया। तो इसको क्या करना है, इसको अटैच करना है दोस्तों हमारा पावर वाले स्विच से। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो अगला वाला हिस्सा है इसको जो है इस पावर वाले स्विच में कनेक्ट कर देंगे। तो अभी क्या करना है, इस पावर वाले स्विच का जो है स्क्रू अभी हम ढीला कर देते हैं, डालने के बाद इसको प्रॉपर ढंग से आपको टाइट कर देना है। तो अभी हम उसको जो है जा रहे हैं टाइट करने, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको प्रॉपर ढंग से टाइट कर दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं हमारा न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो हमारा सिंपल वाला सॉकेट है इससे क्या करेंगे, इसको हल्का सा ढीला करने के बाद दोस्तों इस वाले सॉकेट में हम जो है यहाँ पे फेस का इस ये कनेक्शन दे दिया, यहाँ पे वायर ज्वाइंट कर दिया। और आपको देखना है कि ये दोनों वायर कहीं न्यूट्रल और फेस वाले आपस में टच ना हो। तो अब क्या करना है दोस्तों, हमारा जो ये 10 एम्पियर का स्विच है इसमें इसका कनेक्शन दे देना है और इसको क्या कर देना है, पहले हल्का ढीला कर देना है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है इसमें इसको प्लग कर देना है, प्लग करने के बाद मतलब डाल देना है, डालने के बाद जो है ये हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं। मतलब अब हमारा स्विच और सॉकेट में आप देख सकते हैं न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और ये जो इंडिकेटर था इसका हम जो है यहाँ पे न्यूट्रल में एक कनेक्शन कर दिए हैं। अब दोस्तों हमको क्या करना है, स्विच के फेस का कनेक्शन करना है। जो स्विच का फेस है उस फेस में क्या करना है, इन दोनों में इसका कनेक्शन जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले इन दोनों में ये जो बॉटम साइड है इसको हम कर देते हैं ढीला। स्विच में हम जो है ये फेज का कनेक्शन कर दिए हैं, मतलब यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारा इंडिकेटर का फेज का वाला है, तो हमको उसको भी इसी के अंदर डाल देना है यहाँ पे। तो अभी हम इसके अंदर, आप इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं इस वाले स्विच के फेज में, कहीं दोनों स्विच के फेज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर इसको भी प्लग कर देंगे, आप देख सकते हैं प्लग कर देना है। उसके बाद इसको प्रॉपर ढंग से टाइट कर देना, आप देख सकते हैं अभी हमारा स्विच का दोनों स्विच का फेज वाला कनेक्शन प्रॉपर ढंग से हमको करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है ये स्विच का साथ में इंडिकेटर का कनेक्शन जो है प्रॉपर ढंग से कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा फेज का कनेक्शन बाहर निकल गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल का कनेक्शन बाहर निकालने के लिए हमने वायर लिया है।
तो दोस्तों आपको हम ये बता दें, ये आपका न्यूट्रल का कनेक्शन एक यहाँ है, इस सॉकेट से यहाँ पे गया है, उसके बाद यहाँ पे गया, तो इन तीनों में मतलब इन तीनों सॉकेट के आप कहीं किसी न्यूट्रल से मतलब सॉकेट के किसी भी न्यूट्रल से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है हम देख सकते हैं यहाँ दो ज्वाइंट है, यहाँ पे दो ज्वाइंट है, ये सिंगल है, तो हम इसी से क्या करेंगे जो है इस वाले न्यूट्रल का कनेक्शन जो है करेंगे। अब तो अभी हम इसको जो है हल्का ढीला करते हैं, आप स्टार्टिंग में भी ये काम कर सकते हैं, उसी समय दोनों ज्वाइंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा दोनों वायर जो बाहर निकालना है ये हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको इसको वापस प्रॉपर ढंग से टाइट कर देना है। देख सकते हैं हमारा टाइट वाला काम कंप्लीट हो चुका है, ये दोनों वायर हमारा बाहर निकलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है इसका पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो है न्यूट्रल फेस और सब का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इसको क्या करना है, उसके बाद जो है इस सरफेस वाले बॉक्स से हम इसको दोनों वायर को बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से बाहर निकल गया, और उसके बाद इसको प्रॉपर ढंग से फिट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉपर ढंग से इसको आपको क्या करना है, होल मैच करके फिट करना है। और इसका ये स्क्रू आता है, इसमें चार स्क्रू जो है इस प्रकार से आएंगे, तो आपको जो है एक दूसरे में जो है चारों वाले यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस टाइप का बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमने लगा दिया है और एक हम जो है यहाँ पे लगाएंगे, देख सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी हम जो है सरफेस और प्लेट का कनेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। उसके बाद एक कनेक्शन होने के बाद हमको इसके ऊपर एक कवर लगा देते हैं, आप देख सकते हैं। कवर लगाने के बाद यहाँ पे आपको ये दबा देना है, यहाँ पे चारों तरफ इसको दबा देना है इस प्रकार से, आप देख सकते हैं इस प्रकार से दबा दिए। और जो है ये दो वायर आया है, इसमें अभी हमको क्या करना है, आप इसका लेंथ इसमें दोनों को जोड़ के अलग से वायर जोड़ के उसके बाद जो है इसमें आप 2 पिन 3 पिन लगा के उसके बाद ये एक्सटेंशन आपका रेडी हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से आप वायर जोड़ के इसका लेंथ बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने ये वायर जोड़ दिया सिर्फ अभी, और उसके बाद आप यहाँ पे टेप भी मार सकते हैं, और इसका जो वायर है इसको आप डायरेक्ट अंदर से कनेक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको टेप ओप का काम नहीं पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम देख आपको दिखाने के लिए, अभी देखिए एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें इसको डाल देते हैं, और डालने के बाद तो इंडिकेटर चल रहा है। एक होल्डर और बल्ब लिया है, आप देख सकते हैं होल्डर और बल्ब है, ये जो है इसका कनेक्शन आपको आप जो है चेक कराने के लिए लगा रहे हैं। ऐसा यहाँ पे 2 फीट टॉप लगा लेना चाहिए, आप देख सकते हैं जैसे हमने बटन को ऑन किया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है आप अपने लिए एक्सटेंशन बोर्ड भी बना सकते हैं, अपने घर का भी बोर्ड बना सकते हैं, और आप कोई भी बोर्ड का कनेक्शन भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप प्रॉपर ढंग से देखे होंगे, 2-3 बार देखेंगे तो सीख जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए।